जामिन के हमारे कमांडेंट्स डिप्टी कमांडेंट सिद्धीर सिंह जी जो इस अभियान के लीडर भी थे, डिप्टी कमिश्नर शिमला शिमला और उपस्थित सभी यहाँ अभियान दल के सदस्यगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित भाई बहन, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आईटीबीपी के क्षेत्रीय मुख्यालय में शिमला में जो पर्वतारोहण दल के ट्रैकिंग समारोह के अवसर पर आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सबका इस आयोजन के लिए और यहाँ आने पर जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि यहाँ बताया गया कि आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा बल को लद्दाख के साथ लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जातीय लाभक सीमा सुरक्षा के लिए आईटीबीपी तैनात है। और तैनात ही नहीं, बहुत जोखिम भरा काम आपके पास है, इस काम को आप बहुत सजगता के साथ तो है अंजाम दे रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एक विशेष पर्वत बल है और यह बल विशेषकर अधिकारियों को अधिकारियों और पुरुषों को व्यावसायिक रूप से पर्वतारोहियों और स्कीयर्स के लिए प्रशिक्षित करता है। आईटीबीपी प्राकृतिक आपदा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक बार की अनेक बार निभा चुकी है। कई राहत कार्य, कई इस प्रकार के बचाव के अभियान जो है वो सफलतापूर्वक आईटीबीपी ने जो है वो सफल किए हैं। मैं पर्वतारोहण अभियान जियो पार्किल चोटी 2020 कोड नाम योद्धा के तहत जियो पार्किल चोटी को फतेह करने वाले दलों को अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत। जो कारगिल चोटी की ऊंचाई 22,222 फीट है। इस पर्वतारोहण अभियान को 20 अगस्त 2020 से 5 सितंबर 2020 तक आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 17वीं पानी रिकॉर्ड टीम से की गई, जैसा कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पर हमको बताया गया। इस अभियान में कुल 28 सदस्य थे तथा जैसा बताया गया कि प्रथम पर्वतारोही दल में डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार नेगी, वो काकू इदारका कांस्टेबल अनिल नेगी, वो आशीष नेगी शामिल थे। इनसे भी हमारा मिलना भी हुआ, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की जहाँ दिया। द्वितीय पर्वतारोही दल में डिप्टी कमांडेंट रविंद्र ठाकुर और हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह, कांस्टेबल अनिल कुमार, विमल कुमार, सतपाल सिंह, पुरुषोत्तम और संतोष कुमार शामिल थे। पर्वतारोहण दल ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी नाम रोशन किया, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन दलों ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जियो पार्किल बेस कैंप से तथा अभियान के दौरान लगभग 50 किलोग्राम नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एकत्रित किया गया और 22 लाख उसको स्वच्छता का भी उसमें संदेश दिया गया। हम भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों पर वीरता और प्रभुता के साथ अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उनके आभारी रहेंगे और मुझे आशा है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान के माध्यम से प्रदेश का नाम जो है वो गौरवान्वित करता रहेगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप
करके विशेष परिस्थितियों में जहाँ भारत के साथ पड़ोसी मुल्क बहुत अलग तरह का व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पीछे जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है और उन घटनाओं ने हम सब लोग को चिंतित किया है, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के पूरा एक भरोसा और पूरा विश्वास है, इस भारत को एक मजबूत नेतृत्व मिला है मोदी जी के रूप में। ऐसी परिस्थिति में पड़ोस की ओर से किसी भी एक प्रकार की शरारत का हम लोग जवाब देने की क्षमता भारत में है, और उस दृष्टि से हमारा तिब्बत का साथ चाहे बॉर्डर लगता है, चाइना के साथ तिब्बत का लगता है, चाइना के साथ वो बॉर्डर लगता है, उसमें आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं उस तनाव को, और ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में और भी इनको सजग होकर के और भी ज्यादा विजिट होकर के विजिलेंट होकर के जो काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूँ, जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, वो आपके लिए जहां भी जिस भी परिस्थिति में जो भी आवश्यकता होगी, जो भी सहयोग की जरूरत होगी, उसको पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आपके साथ स्टार की तरह खड़ी है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों में हमने एक 5 कमांडेंट्स को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हैं उनको बॉर्डर एरिया में कहाँ भेजा था, उन्होंने भी वहाँ से रिपोर्ट दी है, और वो रिपोर्ट जो है वो सारी चीज़ों को लेकर के जो है हमारे आने वाले समय में कुछ चीज़ों को लेकर के क्या बेहतर किया जा सकता है, किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से वहाँ पर काम कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें उसमें ध्यान में आई हैं, और उस दृष्टि से हम जो आवश्यक कदम उसमें लेने की आवश्यकता भी है उनको भी हम लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम आपको आपके काम को जहाँ उसकी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा करने के साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र होने के साथ मजबूत राष्ट्र है, मजबूत नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और ऐसी परिस्थिति में एक हौसले के साथ एक बुलंद हौसले के साथ हम सब लोगों को जो हमारा दायित्व तो जिस रूप में है जहाँ भी है उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए आपको जिस प्रकार से आप लोग करते हैं उसमें हमेशा करते रहना है, और भारत के सुरक्षा की दृष्टि से ये हम सब लोगों का एक दायित्व भी है, और उस दायित्व का निर्वहन जिस प्रकार से सबसे बेहतरीन ढंग से कठिन परिस्थितियों में कठिन भौतिक परिस्थितियों में रहकर भी आप जो करते हैं उसके लिए मैं आप सबको बहुत 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 बधाई भी देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस अभियान के अंतर्गत हाँ आप लोग ने बहुत सफलतापूर्वक ये अभियान पूर्ण किया, इसके लिए मैं सभी जो हमारे नए आपने कहा कि 75% जो है नए लड़कों को उसमें जो अपॉर्चुनिटीज दी गई जो आगे बढ़ करके जिसने काम किया, और ये भी अच्छी बात है, मैं जो उनको जोश भी होता है भी होती है, हौसला भी होता है और एनर्जी भी होती है, और एनर्जी के साथ उन्होंने इस काम को पूरा किया, और 22,222 अभियान का जो कार्यक्रम था उसको आपने संपूर्ण किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। और खासतौर से मुझे बहुत अच्छी बात यह भी लगी कि स्वच्छता का भी बहुत बहुत बेहतरीन आपने उदाहरण दिया, जो 50 किलो के लगभग जो है वो वहाँ पर जिस प्रकार का मटीरियल वहाँ पर पड़ा था और गार्बेज को इसको एकत्रित करके जो है आप लोगों ने वापिस लाया और उसका डिस्पोजल किया, ये भी बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि उस वक्त मैं समझता हूँ कि ये अभियान काफ़ी जोखिम भरा हुआ है, इस प्रकार से हमने देख रहे थे हर तरह का टैलेंट है, आप अच्छे रास्ते से गए, गोल्डर से भरा हुआ रास्ता था उस पर भी आगे बढ़े, और उसके बाद बीच में जो जिस प्रकार से एक्रोटाइज होने की जो जरूरत थी वो एक्रोटाइज होकर के फिर अभियान को आगे बढ़ाया, बर्फ का रास्ता आया उसमें चढ़े, बर्फ के चढ़ने के बाद
संपूर्ण किया है, इसके लिए मैं आप सबको और बहुत बधाई देता हूँ। और उसके बाद जाना और वहाँ पहुँचना एक विषय है, और उसके बाद वहाँ से सुरक्षित होकर के वापिस पहुँचना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी अभियान दल के सदस्य अपने अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण भी किए और उसके बाद सफलतापूर्वक सुरक्षित वापिस किया है। इसके लिए मैं सभी अभियान दल के सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसी प्रकार से आप अपने काम में आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ करके अपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी जो है वो ऊंचा करें, और उसके साथ साथ में देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है, उस जिम्मेवारी को भी निभाते हुए बेहतर ढंग से आप लोग काम करते हुए एक मिसाल कायम करें, रक्षा की है। इसके लिए मेरे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल पूरा विश्व, पूरा देश और हमारा प्रदेश भी बहुत एक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जो कभी भी कल्पना से आज तक हमने सोचा नहीं था, कल्पना से बड़े की बात है वायरस की वजह से। और ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। चिंता के विषय हमको निश्चित रूप से कुछ दिन पहले जब हमारे जवान बहुत सारे संक्रमित भी हुए, लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है संक्रमण के बाद भी, संक्रमित होने के बावजूद भी वो लोग स्वस्थ हुए, स्वस्थ होने के बाद फिर काम में जुटे। तो मैं यही कहूँगा आजकल के दिनों में विशेष तौर से जहाँ ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, और ज़्यादा सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। और आप समाज के लिए भी प्रेरित बन सकते हैं, समाज के लिए भी इस प्रकार से आप प्रेरणा दे सकते हैं। उस दृष्टि से